because your car is still asleep, it will bite out even at the तो हमारे चेक इन की फॉर्मेलिटीज हो गई है, मैंने लेसेस से भी बात करके तो चेक इन फॉर्मेलिटीज हो गई है, बस अभी रूम कीज वगैरह देते हमें एंड देन वी विल गो इनसाइड एंड विल शो यू द प्रॉपर व्यू ऑफ द टेंट एंड एवरीथिंग. लंच अभी चालू है, हम लोग आधे घंटे में ठीक है. और ब्रेकफास्ट का टाइम हमारा, सॉरी ब्रेकफास्ट क्या है, सॉरी वाईफाई का हमारा गेस्ट करके आएगा, उस पर लॉगिन करोगे तो आपका रूम नंबर और लास्ट नेम जो भी एंट्री करवाई वो. तो मैं एंटर हो चुकी है, बाहर इतनी शानदार वाली हवा चल रही है, बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है, मुझे इतनी ठंडी ठंडी फील आ रही है. तो रूम का मैं पूरा प्रॉपर आपको व्यू दे देती हूँ, क्या 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 है रूम में, कैसा है. ये पूरा फर्न का टेंट सिटी है, लाइक टेंट्स बने हुए हैं और वहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के टेंट्स हैं और वहाँ पे हमने ये लिया है रूम और दिखाती हूँ बस मैं आपको. सो एंटर होते ही ये यहाँ पे एक टेबल है, ये है सोफ़ा, दिस इज़ द बेड एंड ये रहा ऊपर एसी लाइट एंड दिस इज़ टीवी कैबिनेट, ये एक मिनी फ्रिज है, देन दिस इज़ द टेबल और यहाँ पे आप कुछ भी अपना काम कर सकते हो. ये पूरा ये रखा हुआ है इन्होंने, चाय कॉफ़ी टी सब जो भी आपको बनाना हो दैट यू कैन मेक, यू हैव डिफरेंट पाउचेस हियर एंड देन दिस इज़ योर चेंजिंग रूम का बोर्ड, एवरीथिंग इज़ देयर एंड दिस इज़ वॉशरूम. वॉशरूम का भी मैं अभी आपको पूरा व्यू देती हूँ. सो दिस इज़ द वॉशरूम, द गेट ऑफ द वॉशरूम, यहीं पर इन्होंने वॉशरूम के इस गेट पर ही मिरर लगा रखा है. दिस इज़ नाइस आइडिया, कहीं और पर लगाने की कहाँ ज़रूरत है, वॉशरूम का जो गेट है ये हम घर पर भी कर सकते हैं, उसी पर पूरा प्रॉपर मिरर लगा दो, स्पेस भी सेव हो रहा है और प्लस सुंदर भी लग रहा है. और ये यहाँ पर स्टोरेज के लिए हमने अपने जूते चप्पल वाला जो भी था वो यहाँ रखा हुआ है और अगेन हमारा जो भी सामान है वो हम यहाँ रख देंगे. अभी ऋतुराज अंदर गए हुए, लेट हिम कम इन आउट एंड देन आई विल शो यू द वॉशरूम. तो अब मैं आपको कराती हूँ वॉशरूम का टूर. तो दिस इज़ द वॉशरूम, नॉर्मल जैसा वॉशरूम होता है वैसा है एंड इट इज़ हियर. ये रहा बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्यारा सा. तो दिस इज़ इट, ये ऑप्शंस है ना अपने पास, तो इनमें से अपन एक बार पोटैटो चिप्स ही मंगवा लेते हैं है ना. ठीक है, क्या नंबर बताया था इस पर लिखा होगा. तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा सामान वगैरह रख दिया है, फ्रेशन अप हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं लंच के लिए. और यहाँ पे क्या मस्त हवा आ रही है और पीछे देखो टाइट आ रही है, क्या फीलिंग आ रही है यहाँ पे. रेस्टोरेंट जहाँ हम जा रहे हैं, जो सामने दिख रहा है ना, ये है रेस्टोरेंट और वहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ हम खाना वाना खाएंगे. मैं अभी आपको पूरा काउंटर दिखाती हूँ, ये है नॉनवेज का काउंटर, यहाँ पे नॉनवेज है, ये आइसक्रीम देन स्वीट है, चपाती देन राइस दाल सब्जी देन सूप एंड ऑल दिस थिंग्स.
अब हम खा रहे हैं हमारा खाना एंड बताती हूँ मैं कैसा है। नाइस, पनीर की सब्जी अच्छी है, नॉन वेज अच्छा। थैंक्स। तो यहाँ पे भी एक काउंटर है, यहाँ पे हैं बिरयानी वगैरह ये सब, तो हमें बिरयानी नहीं लेनी थी इसलिए हम यहाँ पे नहीं आए और हमने वहीं से ही सब कुछ लेके खाना खा लिया। बॉटल ले ली आपने? चलो अब हम जा रहे हैं वापस से अपने रूम में। और अभी हमें पता चला है कि यहाँ पे कोई शूट वगैरह चल रहा है, तो वही है हमारा दिमाग की है ना चलो पता करके आते हैं किस चीज़ का शूट, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हमें इंटरेस्ट नहीं आए, तो चलो देख के आते हैं कि कौन सा शूट चल रहा है, क्या चीज़ हो रही है। तो ये चल रहा है यहाँ पे शूट, सब बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं और ये नॉर्थी आर्ट्स ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है, और यहाँ पे सब बैठे हैं इनकी टीम वगैरह। ये भी पता करके आ रहे हैं किस चीज़ का शूट कर रहे हैं। तो हम लोग लंच वगैरह करने के बाद सो गए थे और अभी जस्ट उठ के जल्दी से रेडी होके आए हैं चाय पीने के लिए, 6 बज गए हैं और उसके बाद हम जाएंगे बीच पे जाएंगे है ना। हाँ, तो हम जाएंगे बीच पे और बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है, सारे बाल वाल सब गड़बड़ हो गए बट मस्त हवा चल रही है बाहर। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं पहिया ही, बिकॉज होटल से बाहर निकलते वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बीच है, तो इसलिए हम गाड़ी ले किया क्योंकि पार्किंग करने तक तो लोग होटल तक आ रखे हैं है ना, यहाँ तक आए हुए हैं तो फिर हम अपनी गाड़ी ले जाके वहाँ कहाँ पार्क करते, तो इट्स बेटर कि होटल में खड़ी है। और हम जा रहे हैं अब बीच पे, फिर मैं दिखाती हूँ आपको टर्न अराउंड करके और जो किरण करी वो फैशन बन जाता है। तो ये रहा सामने, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये सामने जाते हैं, यहाँ पर बीच है, ये तो एक्स्ट्रा हो गया। तो ये पहुँच गए हम बीच पे, मेरे पीछे बीच और कितना शानदार लग रहा है, डर भी लगता है तो यहाँ पे ये भैया फ़ोटोज़ खींचते हैं, अगर आपको कपल फ़ोटोज़ या अपनी फ़ोटोज़ खिंचवानी है तो आप इन भैया से या फिर ऐसे और भी जो भैया होंगे उन सब खिंचवा सकते हो, अच्छी फ़ोटोज़ खींचते हैं और चार्जेस भी इनके बहुत सही रहते हैं, 5 फ़ोटोज़ की 100 रुपीज़ देते हैं, अच्छी बहुत ही प्यारी शानदार फ़ोटोज़ क्लिक कर। तो आज हमने ये बीच पे मतलब थोड़ा सा टहले, हम यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाई, देन वीडियोज़ बनाए, फिर वहाँ पे एक सनसेट पॉइंट है वहाँ पे गए और अब 7 o'clock हो गए, शायद 7 o'clock होते ही बीच वगैरह सब खाली करा दोगे, तो जो पुलिस वाले हैं वो आए और सबको फिर बोल रहे हैं कि ना आप ये बीच खाली करो बिकॉज़ वो इतना रात को थोड़ा सा डर भी रहता ही है कि ना टाइड आए और कोई कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, इसलिए तब सब खाली करा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। फिर अब कहाँ चलेंगे हम, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे आसपास क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, बस वो सब हम देखेंगे और फिर हम जाएंगे वापस से होटल में है ना। दैट्स इट, होटल के बिल्कुल पास है तो कितनी अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना मस्त वहाँ पे भी। तो अब हम यहाँ जो शॉप्स वगैरह हैं, खाने पीने के काउंटर्स हैं, शॉपिंग का है, यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं और जस्ट अभी ये आइसक्रीम लेके आए हैं और ये अकेले अकेले आइसक्रीम खा रहे हैं। और अब हम आए हैं पूल एरिया में, ये रहा मस्त वाला पूल, मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती है और ऋतुराज तो अंदर चले भी गए ठंडा है नॉर्मल है, मैं भी अंदर जाने की कोशिश करती हूँ, मुझे डर लगता है पानी से बहुत ज़्यादा वाला। तो लेट्स सी, दिस इज़ द पूल एंड दिस इज़ द प्रॉपर्टी, यहाँ पे कोई शूट से चल रहा था ना सुबह वो वाला है यहाँ पे क्या। जल्दी आओ, वी आर गेटिंग लेट, चलो अब चलो मैं चलूँ आ जाओ। तभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए,
9:30 अराउंड हो चुके हैं, 10:30 तक रहता है डिनर एंड बस हम जा रहे हैं। फिर उसके बाद अभी थकान थकान फील हो रही है स्विमिंग करने के बाद भी, तो बस सोएंगे उसके बाद। तो लेट्स सी क्या है आज डिनर में यहाँ पे। तो हम लेके आ चुके अपना डिनर एंड डिनर में क्या क्या ऑप्शन है वो मैं भी बताती हूँ। मैंने लिया है चपाती, देन दिस इज मिक्स वेज, देन दिस इज पनीर, दिस इज चिकन का क्या क्या नाम था, चिकन से रिलेटेड कोई वो है एंड दिस इज हलवा। सो नाउ वी आर हैविंग आवर डिनर एंड फुल गोवा वाली वाइब आ रही है हमको, है ना बेबी, गोवा वाली वाइब आ रही है। बीच में जाके बहुत मज़े आए थे, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वापस आने का, बट 7:00 शायद इनका टाइम होता है कि बीच पे से है ना पुलिस वाले सबको हटा देते हैं ताकि रिस्क फैक्टर ना रहे, तो सबको हटा दिया था। कल मॉर्निंग में देखते हैं हम टाइम से जाएंगे। फिर हम स्विमिंग पूल गए थे, स्विमिंग पूल में बहुत मज़े आए थे। सो नाइस, ये शायद वो जो शूट वाले जो लोग आए हुए ना शायद वो लोग हैं। किसने पता नहीं, उसको फील ही नहीं होता अभी कुछ, उसको पता ही नहीं चलता। हम बात कर रहे हैं सपना की, मैंने कहा सपना से अच्छे से बात नहीं हुई है, अब बस डिनर विनर कर लिया उससे अच्छे से बात करूँगी। तो बोले उसको सोने दो, उसके छुटकू को भी सोने दो। तो बस अभी हम डिनर विनर करके और वापस जा रहे हैं अपने रूम में एंड मेरा अभी बिल्कुल भी सोने का मन नहीं है, तो इनको नींद आ रही बिकॉज इन्होंने बहुत लंबी वाली ड्राइव की है, तो ही इज़ लिटिल टायर्ड। बट मैं अभी यहाँ से वहाँ जो ये है प्रॉपर्टी है इसी में इधर से उधर घूमने वाली हूँ, ठंडी हवा का मज़ा लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरा अभी सोने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है यार। इतना जल्दी बस इतना दूर आओ और फिर बस अपने रूम में पड़े रहो सो जाओ, उससे क्या फ़ायदा। तो आई वॉन्ट टू लिव दिस डे लाइक एनी थिंग, तो मैं पूरा इन्जॉय करने वाली हूँ इस वाली जगह को। तो बस अभी मैं जाती हूँ रूम में, जाएंगे हम एंड देन उसके बाद ये सोएंगे तो सो जाएंगे। मैं यहाँ वहाँ जो ये दिख रहा है आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे पीछे की साइड वाली, वहाँ पर टहलूँ। आई कन्विंस्ड ऋतुराज टू कि दो चार चक्कर लगाते हैं यहाँ से वहाँ, क्योंकि अभी भी जस्ट डिनर किया है तो अभी क्या सोओगे, तो दो चार चक्कर लगाते हैं और उसके बाद सोएंगे। तो ही केम। तो अभी हम पूरी प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ अभी पूरे फ़ोन में क्या क्या बना हुआ है। तो इट्स वेरी नाइस एंड वेरी बिग प्रॉपर्टी एंड वो देखो समुद्र की लहरें अगर आपको दिख रही हैं तो दीदी शानदार। और यहाँ पर बहुत तेज़ टाइड आ रही है ना, बहुत तेज़ है ना, जहाँ हम गए थे ना इवनिंग में वहाँ पे इतनी तेज़ नहीं थी, यहाँ पे बहुत तेज़ है। लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक इवनिंग वॉक कर ली जाए खाना खाने के बाद, ताकि थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाए और साथ में ही पूरी प्रॉपर्टी भी एक्सप्लोर कर ली जाए। तो हम दोनों जस्ट ऐसे ही चल रहे हैं, टहल रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या है, और कुछ अच्छा सा स्पॉट दिखेगा तो दो चार मिनट बैठेंगे एंड देन वी विल गो बैक। कितना पास है ये समुद्र और कितना शानदार लग रहा है, आई होप यू ऑल कैन सी इट एंड थोड़ा सा डर भी लगता है ऐसी लहरों से, और बहुत तेज़ पानी आ रहा है यहाँ पे एंड फील्स गुड टू। और यहाँ पे क्या वो शूट वाले लोगों का शायद यहाँ पे भी सेटअप है, आई डोंट नो, पर अच्छा लग रहा है। सो ऋतुराज तो सो चुके हैं एंड आई एम फीलिंग स्लीपी, बट मेरा मन कर रहा है कि मैं जितना हो सके यहाँ को इन्जॉय करूं एंड ये जो पानी की वॉइस अगर आ रही होगी आपको, इतनी अच्छी लग रही है मुझे, इतनी सूदिंग लग रही है ना। तो मैंने सोचा जो हमारा टेंट है, दिस इज़ आर टेंट, तो मैंने सोचा उसी के सामने थोड़ी देर वॉक करती हूँ। इट इज़ फीलिंग सो रिफ्रेशिंग, बिकॉज़ क्या होता है ना कि ऐसी जगह पे आप बार बार नहीं आते हो, यू कम वंस इन अ वाइल, सो आई डोंट वॉन्ट टू मिस एनी ऑफ द थिंग एंड आई एम लिटरली इन्जॉइंग द फ्रेश एयर जो आ रही है, और इतना अच्छा साउंड जो आ रहा है पानी का, लहरों की जो आवाज़ आ रही है, आई एम लिटरली इन्जॉइंग दैट। सो जस्ट डोंट वॉन्ट टू मिस एनी थिंग, जितने दिन दो दिन हम यहाँ पे हैं, आई डोंट वॉन्ट टू मिस एनी थिंग, सो दैट्स वाई अभी जस्ट टेंट के सामने आई एम रोमिंग हेयर एंड देयर और लुफ्त उठा रही हूँ लहरों की आवाज़ का एंड आई एम एंजॉइंग इट। सो ब्लॉग तो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, होप यू लाइक टुडेज ब्लॉग, फर्स्ट डे इन दियू, होप यू लाइक इट। साथ में ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, अब मिलते हैं आपसे कल
के ब्लॉग में। होप यू लाइक इट, एंड अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।